इस बहुत सारे लोगों ने आपसे पूछा होगा, लेकिन जब आप तो आपको उसी एनर्जी के साथ बिल्कुल बिल्कुल, अरे उसमें कुछ कम नहीं होगा। हाँ अभी स्टार्ट इंडस्ट्री में बहुत सारी बातें हो रही है एक अल्बेला को लेकर, क्योंकि जिस तरह से मराठी फिल्म ने सडनली ये किया है, ग्रोथ किया है, और हमने अभी सारा देखा एक अल्बेला से लोग उससे ज्यादा की उम्मीदें रख रही है। मुझे इस फिल्म से बहुत सारी उम्मीदें हैं, और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि देखो आज तक मैंने ना बहुत सारा काम किया है। मैं 20 साल से इंडस्ट्री में हूँ, 42 फिल्में की हैं मराठी, जिसमें मैंने 30 फिल्मों में हीरो का कैरेक्टर किया है, 12 फिल्मों में अच्छे कैरेक्टर्स किए, बहुत सारे अवार्ड्स मिले, सब कुछ है। लोग मेरा काम देख के कभी ऐसा नहीं कहा है लोगों ने कि बहुत बुरा काम करता है, अच्छा काम नहीं करता है, हर काम की तारीफ की है, यानी लोगों के दिल तक तो हूँ मैं। लेकिन सिर्फ दिल तक रह के नहीं चलता है, एक्टर जब लोगों के दिलो दिमाग तक जाता है तो बड़ा होना शुरू होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म ऑडियंस के दिलो दिमाग तक लेके जाएगी मुझे। जब आपको ऐसा बताया गया कि सर एक मैं फिल्म कर रहा हूँ, एक अल्बेला इस तरह की फिल्म है जिसमें विद्या बालन जैसे एक्टर होंगे, तो आपका क्या रिएक्शन था? नहीं, मुझे पहले तो यकीन ही नहीं हुआ था। हाँ, क्योंकि क्या है, बहुत सारे एक्टर्स का ट्रायल एंड एरर चल रहा था, लुक भी चल रहे थे, लेकिन कुछ जच नहीं रहा था हमारे डायरेक्टर सर को। तो बाद में ऐसा तय हुआ कि फिर हिंदी ट्राई करते हैं क्या, तो फिर हिंदी यहाँ किसको करेंगे, ऐसा करते 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 एक ही नाम के ऊपर आके सुई अटक रही थी, विद्या बालन। नहीं, विद्या बालन का ये गीता वाले जैसा दिखता है, विद्या बालन की आँखें जरा उधर नज़दीक जाती है, यही, और विद्या बालन बहुत टैलेंटेड, वो कर पाएगी, ऐसा ही सब चल रहा था। और विद्या बालन को अप्रोच हो गए, उन्होंने हाँ बोला, ये सब हुआ, मुझे बताया कि विद्या बालन फाइनल हो गया मंगेश, लेकिन बोला नहीं यार, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अरे हाँ, अरे बोले क्यों करेगी वो मराठी फिल्म क्यों करेगी? नहीं, उन्होंने एक इसमें कहा था शो में कि मैं मराठी सिनेमा करना, बोला ऐसा तो बहुत लोग कहते हैं यार, और करेंगी भी तो वो एक सीन करेंगी, इतना बड़ा रोल क्यों करेगी? क्योंकि ये फिल्म में विद्या जी के 6 या 7 सीन हैं, 4 गाने हैं, देखा जाए तो मेरे बाद सबसे ज़्यादा फुटेज किनका है तो उनका ही है, तो वो क्यों करेगी? नहीं नहीं, वो तो साइन हो गई है, तो भी मेरा यकीन नहीं हुआ। मतलब नहीं, जब तक वो सेट पे नहीं आएगी तब तक मेरा यकीन नहीं होगा। और हमारा शूट का दिन था जिस दिन विद्या जी, जहाँ से पहला दिन विद्या जी के डेट्स लिए गए थे, मैं गया, बोले विद्या जी आला इतना ध्यान लोग की, मैं थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, रिहर्सल चल रहा था मेरा, पीछे से आवाज़ आई, नमस्कार मैं विद्या बालन। मैंने देखा तो इतनी खूबसूरत हीरोइन मैं ज़िंदगी में पहली बार देख रहा था, खूबसूरत, लीन, पोलाइट। और उस वक्त मुझे यकीन हो गया कि सच्चे दिल से आदमी जब मांगता है कुछ तो उसको मिलता है।